जय हिंद भाई लोग, गुड मॉर्निंग यार। देखो अभी मैं त्रिपुरा पुलिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हूँ। अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं पिछले बारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ जितना भी अपडेट मेरे पास था TSR के बारे में, न्यू वैकेंसी हो चाहे वो सेकंड लिस्ट हो वेटिंग लिस्ट हो, उसके बारे में मैंने कन्फर्म सब कुछ बताया था लगभग, और कोई अपडेट मेरे पास आया नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले TSR के एक जवान से मैंने बात की थी फ़ोन पे, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट कई बच्चे 10-15 कैंडिडेट शायद ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो पकड़ के और जो इलेक्शन भी सामने आने वाला है ना, उस इलेक्शन को बेस करके शायद कुछ हरकत हो सकता है TSR में, वो ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि इलेक्शन में एक बात तो कंफर्म है कि इलेक्शन से पहले आपका कुछ ना कुछ हरकत होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब TSR में, चाहे वो न्यू रिक्रूटमेंट हो चाहे वो सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट के बारे में हो, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेगा। ये सिर्फ त्रिपुरा का नहीं, हर स्टेट में ऐसा होता है कि आप मान के चलो वैकेंसी आपका अगर 5000 है ना, तो वो एक साथ 5000 नहीं निकालेगा, 50-100 ऐसे कर करके इलेक्शन तक ये सब लेके जाएगा। तो इसी हिसाब से मैं और एक बात है कि TSR में पिछले ये जो सरकार बनी है अभी BJP की सरकार, इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पहले भी जो सरकार थी TSR में, ठीक है, उसमें क्या किया था उसने कि 5 महीने बाद सेकंड लिस्ट छोड़ा था, ठीक है। पहले जो TSR का रिक्रूटमेंट हुआ था, आप अगर त्रिपुरा से हो तो आप जानकारी जुटा लेना कहीं से भी, तो ये ऐसा हुआ था कि 5 महीने बाद उसने सेकंड लिस्ट छोड़ा था। बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाया था, लगभग 100-150 कैंडिडेट्स को बुलाया था, ठीक है। और मेरे को पता नहीं कि उस टाइम पे कितना पोस्ट था, ये था, मेरे को वो चीज़ नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता कि 5 महीने बाद भी उसने सेकंड लिस्ट छोड़ा था। तो ये अभी क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, हालांकि इंडियन रिजर्व बटालियन है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही उसको चलाता है, ठीक है। अब सेंट्रल नहीं ये देखता, ये स्टेट को ही दे देता है कि आप इसका जिम्मेदारी आपकी है, तो इसीलिए स्टेट के ऊपर सारा प्रेशर रहता है। और हर एक मेरा वीडियो में मैंने ये नहीं कहा है कि इस महीने आएगा, इस मंथ में आएगा, इस डेट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मैं बस इतना बता रहा हूँ जितना मेरे को सुनने को आ रहा है, जितना मेरे पास जानकारी आ रहा है वही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। TSR के पर्सनल भी नहीं कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कंफर्म आएगा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि सेकंड लिस्ट पता नहीं मेरे को आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो बता देते हैं कि मेरे को कि सेकंड लिस्ट हाँ छोड़ेगा कि ये करेगा, तो मैं भी आपको बता दूंगा ना। तो इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था त्रिपुरा TSR के ऊपर। और आप लोग चैनल पर अगर नए जुड़े हों, चाहे वो त्रिपुरा के हो या दूसरे स्टेट के हो, अदर स्टेट के हो, आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। क्योंकि देखो त्रिपुरा अगर सेकंड लिस्ट मान लो नहीं निकलता है, तो आप क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे त्रिपुरा आपका। हाँ ठीक है, मेरे को पता है आपका कंडीशन क्या है कि एज ख़त्म हो रहा है और दूसरा भर्ती नहीं दे सकते, ये तो उसमें किसका कसूर है भाई, आपका खुद का है या मेरा है या TSR का है। आप बैठ के आराम से 2 मिनट सोचना, आपने ठंडे दिमाग से सोचना कि इसमें डिफ़ॉल्ट किसका है, किसी का नहीं है, ये किस्मत का खेल है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि आप TSR के ऊपर क्या करोगे, TSR मान लो कि आपका ज़िंदगी बर्बाद हो गया कि सेकंड लिस्ट नहीं आया, तो आप TSR के ऊपर क्या करोगे, उसके ऊपर केस करोगे, TSR को बैन कर दोगे त्रिपुरा स्टेट में, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए शांत रहो, और जो भी आ रहा है आगे, जो भी वैकेंसी आ रहा है, अगर आपका एलिजिबल आप हो तो आप उसमें अप्लाई करो, ट्राई करो, अपना आपको फिर से खड़ा करो, ठीक है। आप, मैं मानता हूँ कि आपका मनोबल जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर चुका है कि लिस्ट आने के बाद, लेकिन आपने आपको फिर से आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा, आपको फिर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी है वो लड़ने के लिए ही है, आपको फिर से लड़ना पड़ेगा भाई लोग। और मैं यही बताता हूँ कि जो भी आगे रिक्रूटमेंट आ रहा है कि त्रिपुरा पुलिस हो क्या, SPO हो गया क्या, ऑल इंडिया में जितना भी अभी क्या चल रहा है कि आसाम राइफल का अभी रैली आने वाला है, ठीक है,
और जो इंडियन पोस्ट GDS उसका भी मेरे वीडियोस पड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो पूरा डिटेल कैसे क्या करना है। तो उसमें आप अप्लाई करो ना आराम से, अगर आपका एलिजिबल हो तो इसमें सिर्फ माथा पीटने से कुछ नहीं होगा, आप तैयारी आगे जारी रखो और कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और चैनल पे मेरा जो भी है जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई, ताकि आगे भी किसी को पता चलो, सब्सक्राइब कर देना जितने भी नए कैंडिडेट्स देख रहे हैं, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से जो है वो रियल आता है एकदम से। और आपको लगता है कि आपका किसी काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।